आज उज्जैन शहर के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का वचन पत्र जारी हुआ, जिसके चलते कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी राजेंद्र वशिष्ठ, राजेंद्र भारती और रामलाल मालवीय ने पत्रकारों के साथ बैठक की और वचन पत्र जारी किया। उज्जैन शहर के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का वचन पत्र जारी हुआ, जिसके चलते कांग्रेस के तीन प्रत्याशियों ने पत्रकारों के साथ बैठक की। तीनों ही प्रत्याशियों ने प्रदेश में सुशासन के लिए बदलाव की बात कही। साथ ही प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने की बात रखी। प्रत्याशियों में राजेंद्र भारती ने कहा कि संघ में भी अच्छे लोग हैं, पर कुछ घुसपैठी उन्हें बदनाम कर रहे हैं। महाकाल में भय का वातावरण बना दिया है, इसे दूर करना है। राजेंद्र वशिष्ठ का कहना था कि सिंहस्थ में भ्रष्टाचार हुआ, भय का वातावरण है और अराजकता बढ़ी है। और रामलाल मालवीय ने कहा कि भंवरतर में किसानों को जो धोखा भाजपा ने दिया है, उसका बदला लेने का समय आ गया है। हालांकि आज की पत्रकार वार्ता में प्रत्याशियों की तैयारी थोड़ी कम ही दिखी, पर जीत के लिए आशान्वित प्रत्याशियों ने सुशासन, भ्रष्टाचार, बदलाव पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी के इन 15 वर्षों के कुशासन की वजह से मध्य प्रदेश का किसान बहुत परेशान है, मध्य प्रदेश का युवा वर्ग परेशान है, मध्य प्रदेश का व्यापारी वर्ग पूरी तरह से परेशान है, मध्य प्रदेश के गरीब परिवार के लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी ने वचन पत्र आज जारी किया है, जिसमें एक नया मध्य प्रदेश, एक नए मध्य प्रदेश का स्वरूप जो भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा, आज उसमें सारी बातें शामिल की गई हैं, जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति को इसमें ध्यान रखकर और सारी बातों का समावेश किया गया है। क्या नई योजनाएं रहेंगी कांग्रेस की? पूरा पूरा नया मध्य प्रदेश बनेगा। उस नए मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरे मध्य प्रदेश के वासी परेशान हैं, दुखी हैं और वह मन बना चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और जो वचन पत्र में जो बातें की गई हैं, उन बातों का अक्षरशः पालन किया जाए।